नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या इस चुनाव में रेल की बात हो रही है? करोड़ों लोग रेल से चलते हैं और रेल की ही बात नहीं हो रही है। बीजेपी के एक प्रचार वीडियो में वंदे भारत और कुछ चमकदार स्टेशन को इस तरह से दिखाया गया है जैसे यही रेलवे की असली तस्वीर हो। मगर क्या वंदे भारत ही रेल की असली तस्वीर है? वंदे भारत को 2019 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल की ही एकमात्र तस्वीर बना दी है, उसी का प्रचार होता रहता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो वंदे भारत का इस्तेमाल करते हैं, महंगी टिकट लेकर उसमें यात्राएं करते हैं? आम हिंदुस्तानी किस हालात में रेल की यात्रा कर रहा है, इसकी तस्वीर मीडिया से गायब कर दी गई है। आज के वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें रेलवे ही नहीं, छोटे छोटे शहरों में बनने वाले एयरपोर्ट के बारे में आप जानेंगे। तब पता चलेगा कि आंखों के आगे चमक पैदा की जा रही है ताकि सामने का अंधेरा आपको दिखाई ना दे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल, इसे सब्सक्राइब कीजिए और बहुत दिनों से आपसे कहा नहीं है इसलिए इसे ज्वाइन भी कीजिए। यह भी भारत की ही ट्रेन है, बल्कि यही भारतीय रेल की हकीकत है। ज्यादातर रेलगाड़ियां इसी तरह दिखती हैं। पूर्णिया कोट से अमृतसर जाने वाली ट्रेन के भीतर का हाल आपको दिखाना चाहता हूं। इसे जनसेवा एक्सप्रेस कहते हैं। इस ट्रेन में ज्यादातर पंजाब जाने वाले मजदूर सफर करते हैं। इनके लिए ट्रेन का मतलब है किसी तरह सीट मिल जाए, सीट ना मिले तो सीट का कोना मिल जाए, कोना ना मिले तो जमीन मिल जाए, भीतर जगह ना मिले तो दरवाजे पर जगह मिल जाए, बस ट्रेन किसी तरह चल दे और किसी तरह अमृतसर पहुंच जाए। रेल मंत्री दिल्ली में जो भी दावा करें, उसके जवाब में गोदी मीडिया कभी ऐसी ट्रेन की सवारी नहीं करता, पूछता ही नहीं कि वंदे भारत और अमृत स्टेशन के भारत में मजदूरों की रेल यात्रा कितनी बेहतर हुई है। 450 करोड़ खर्च कर भोपाल का रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भव्य बना दिया गया, लेकिन उससे क्या किसी आम यात्री का जीवन बदल गया? अब तो ये बहस भी नहीं होती कि विकास के बड़े बड़े दावों का भारत किसके लिए है, उसमें आम यात्री, आम मजदूर यात्री हैं भी या नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि 10% ट्रेनें लेट चल रही हैं और स्लीपर ट्रेनों का किराया महंगा हुआ है। यही नहीं, स्लीपर कोच भी घटाया जा रहा है। 2 अप्रैल को खड़गे ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से यूपीए की तुलना में मोदी राज के 10 साल में औसत किराया डबल हो गया है। ट्रेन से संबंधित दुर्घटनाओं में 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। खड़गे ने राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो के आंकड़े के आधार पर यह कहा है और अपने ट्वीट में पूछा है कि क्या यह सही है। इस ट्रेन में पीने का पानी जहां आता है वह भी देख लीजिए और शौचालय का हाल भी देख लीजिए। बहुत बुरा हाल है सर। एक सहरसा से बनवंकी से चल के आता है जी जी। ये गाड़ी कोई धुलाई नहीं है, ना कुछ साफ सफाई है। अच्छा, कहां जाएगी ये? अमृतसर जाएगी गाड़ी। क्या है शौचालय की स्थिति? क्या है? बहुत बुरा है सर। देख लो, टॉयलेट जाने की जगह नहीं, कुछ इतनी गंदगी फैला रखा है। और भीड़ है? भीड़ तो है, मगर उतना भी नहीं है। आगे जाके गोरखपुरा जाके बहुत भीड़ हो जाएगी। आम लोगों की रेलगाड़ियां आम लोगों की नजर से गायब कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा वंदे भारत के उद्घाटन या प्रचार करते नजर आते हैं। यह ट्रेन वैसे बुलेट ट्रेन नहीं है, मगर उसी के जैसी दिखती है। 1000 से अधिक रेलवे स्टेशन को भव्य और आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कुछ बना भी दिए गए हैं। कुछ रेलवे स्टेशन पर तो कई कई 100 करोड़ रुपए खर्च करने की खबरें हैं। यह हाजीपुर रेलवे स्टेशन है, यहाँ से रामविलास पासवान जीतते रहे और रेल मंत्री भी रहे। इस रेलवे स्टेशन का हाल बाहर से इस तरह दिख रहा है। ऐसी शानदार सड़कों पर चलकर लोग यहाँ ट्रेन पकड़ने आते हैं। हाजीपुर से हर दिन 90 के करीब गाड़ियां चलती हैं और 10,000 लोग इस स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका भी विकास अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत किया जाने वाला है। इस स्टेशन की हालत ये हो गई है कि इसे नए सिरे से विकसित करने के लिए कुछ करोड़ का बजट रखा गया है। लैंडस्केप, फूड प्लाजा, बच्चों के खेलने का एरिया बना देने से आजकल स्टेशन आधुनिक बन जा रहा है। लेकिन सवाल है कि इससे आम लोगों की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा? अमृतसर जाने वाली ट्रेन के यात्रियों का जीवन कितना बेहतर होगा? स्टेशन देखने में कुछ और सुंदर हो जाएगा, लेकिन क्या उनकी यात्रा इससे कुछ बेहतर हो जाएगी?
बिहार की राजनीति हमेशा ही रेल के आसपास घूमती रही है, लेकिन मोदी राज के 10 साल में बिहार की राजनीति से रेल का मुद्दा गायब हो गया। यही नहीं, बिहार में कौन सा ऐसा स्टेशन बना जिसे बीजेपी या मोदी सरकार प्रचारित कर सकती है? किस स्टेशन को भोपाल की रानी कमलापति स्टेशन की तरह भव्य बनाया गया है? पटना रेलवे स्टेशन बहुत व्यस्त रेलवे स्टेशन है, क्या उसका विकास इस तरह से किया गया है जिसे बीजेपी के लोग मॉडर्न और अल्ट्रा मॉडर्न कहने लग जाएं? हम बार बार भोपाल के स्टेशन से तुलना क्यों कर रहे हैं, आगे के वीडियो में आपको पता चलेगा, जिसकी लागत कहीं कहीं मीडिया रिपोर्ट में 450 करोड़ बताई जाती है। आखिर बिहार पर नजर क्यों नहीं पड़ी? रेलवे स्टेशन को बाहर से चमकाने का लगता है एक नया रास्ता खोज लिया गया है, ताकि जल्दी हो जाने वाले इस काम के सहारे जनता को दिखाया जा सके कि कुछ बड़ा काम हो गया है। मगर वही जनता किस हाल में ट्रेन में सफर कर रही है अब उसे भी दिखाई नहीं देता है, उसकी आंखों के सामने ट्रेन की हकीकत बदल दी गई है। भारत में कई हजार रेलगाड़ियां चलती हैं, मगर बात होती रहती है केवल वंदे भारत की, जिसकी संख्या अभी 100 भी नहीं पहुंची है। इस समय वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 82 बताई जाती है। हम इस वीडियो में बिहार की एक और ट्रेन का हाल आपको दिखाएंगे। यह ट्रेन पूर्णिया से सहरसा के बीच चलती है, इसे EMU कहते हैं। इस ट्रेन की रिकॉर्डिंग कुछ हफ्ते पहले की गई, जिसमें सर्दी के कपड़े लोगों ने पहन रखे हैं। पिछले 5 साल से वंदे भारत के बहाने ही रेल की बात हो रही है। कई सारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से वीडियो बनवाया जा रहा है, जिसमें वे शीशे की खिड़की वाली ट्रेन से बाहर देखते हुए हतप्रभ हैं, जैसे पहली बार दुनिया में ऐसी कोई ट्रेन देखी हो या ट्रेन की खिड़की में शीशा देखा हो, और इस ट्रेन का प्रचार करने लग गए हैं। बीजेपी ने अपने यूट्यूब चैनल पर 36 मिनट से अधिक का लंबा एक वीडियो डाला है, जिसमें मुख्य रूप से रेलवे के बारे में बताया गया है। इसे इस तरह से बनाया गया है जैसे अब हर यात्री बुलेट ट्रेन में चलने लगा है, वंदे भारत में चल रहा है, जबकि बुलेट ट्रेन तो अभी आई नहीं है। 22 मार्च को यह वीडियो अपलोड हुआ है। इसमें स्टेशन को इस तरह से शूट किया गया है जैसे आप किसी बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। इस वीडियो में जो स्टेशन दिखाया गया है वह खाली है, उसमें लोग नजर नहीं आते हैं। एक एंकर अकेली चली जा रही है, जो अवाक है कि इस तरह का स्टेशन भारत में बन गया है। लेकिन खाली स्टेशन इस तरह से बता रहा है जैसे लोगों ने रेलवे स्टेशन जाना कब का छोड़ दिया हो। इस प्रचार वीडियो में भोपाल के इस रेलवे स्टेशन को बहुत ज्यादा दिखाया गया है, उसे विश्व स्तरीय बताया गया है। खाली स्टेशन पर की गई ये रिकॉर्डिंग स्टेशन को अलग ही लेवल की वास्तविकता प्रदान करती है। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था, उसी का प्रचार वीडियो में इस्तेमाल किया गया है। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि 450 करोड़ की लागत से इस स्टेशन का विकास किया गया और किया जा रहा है, लेकिन इस स्टेशन के उद्घाटन के 1 साल बाद दैनिक भास्कर ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 300 करोड़ स्टेशन के बाहर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह विकसित करने में खर्च हो रहा है और 100 करोड़ स्टेशन के भीतर की सुविधाएं बेहतर करने में। इस रिपोर्ट की हेडलाइन है, वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बाथरूम थर्ड क्लास। यात्री ने DRM को ट्वीट किया, प्लेटफॉर्म पर उछल कूद करते बंदर भी। भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में 100 करोड़ का स्टेशन बताया है। लिखा है कि 1100 यात्रियों के बैठने के साथ साथ कई तरह की सुविधाओं पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन इसी रिपोर्ट में आगे लिखा है कि करीब 300 करोड़ रुपए से स्टेशन के बाहर की तरफ अस्पताल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसे एक प्राइवेट कंपनी बंसल पाथवेज प्राइवेट कंपनी तैयार कर रही है। यह खबर ध्यान रखें, नवंबर 2022 की है। तो अब आप समझ गए, स्टेशन पर 100 करोड़ और स्टेशन के बाहर अस्पताल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने में 300 करोड़, जैसा कि भास्कर ने लिखा है 1 नवंबर 2022 की रिपोर्ट में। रेलवे स्टेशन में इस तरह की बातें होती रहती हैं, सुविधाएं कम होती रहती हैं, ठीक भी होती रहती हैं। लेकिन यह भी सही है कि भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन चमकदार बना तो दिया गया है, मगर इसी शहर में एक और स्टेशन है, भोपाल रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, मगर यहाँ आप पीने के पानी की अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाओं का हाल देख सकते हैं। भोपाल स्टेशन के बाहर का हाल बता रहा है कि 1-2 स्टेशनों को चमकाकर रेलवे की हकीकत नहीं बदली जा सकती है, अभी वो वक्त नहीं आया है।
क्या कभी इस देश में बहस हुई कि एक रेलवे स्टेशन को चमकाने में 450 करोड़ रुपए खर्च करना सही है या नहीं? जब आप एक स्टेशन पर इतना पैसा लगा देंगे तो चमकदार बन ही जाएगा, आलीशान और भव्य भी लगेगा। हम इस रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के समय मीडिया रिपोर्टिंग पढ़ रहे थे, तरह तरह के विशेषणों का इस्तेमाल किया गया है। बताइए, पानी की सुविधा दी गई है तो उसे अल्ट्रा मॉडर्न सुविधा लिखा गया है। पानी की सुविधा तो रेलवे स्टेशन पर शुरू से होती रही है, हमें नहीं पता था कि आजकल पानी की सुविधा अल्ट्रा मॉडर्न सुविधा कहलाती है। मध्य प्रदेश एक गरीब राज्य है, इस गरीब राज्य में केवल एक स्टेशन पर 400 करोड़ से अधिक का पैसा खर्च कर दिया गया। फूड कोर्ट कौन सी ऐसी भव्य आधुनिक सुविधा है जिसे अलग से रेखांकित किया जाता है कि फूड कोर्ट बन गया है? प्लेटफॉर्म पर लाखों यात्रियों को जो सस्ता खाना मिलता था उसकी सुविधा क्या बेहतर हुई है, या ऐसी सुविधाएं अब गायब कर दी गई हैं? क्या हर तरह के लोग फूड कोर्ट का महंगा खाना खा सकते हैं? आमतौर पर ऐसी जगहों पर खाने पीने की चीजें महंगी होती ही हैं। मिडिल क्लास भी जेब से पैसे नहीं निकालता है, पार्किंग भी बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। उद्घाटन के वक्त मीडिया की खबरों में इस बात पर जोर दिया गया कि आने और जाने के अलग अलग गेट होंगे। क्या ये इतनी बड़ी विशेषता है कि बताया जाए कि अलग से प्रवेश द्वार होगा, निकलने के लिए अलग से निष्कासन द्वार होगा? लेकिन आप देखिए कि कैसे मीडिया और सरकार दोनों एक प्रचार तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं। खैर, नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक है, कितना उज्ज्वल है, इसका प्रतिबिंब भोपाल के इस भव्य रेलवे स्टेशन में जो भी आएगा उसे दिखाई देगा। भोपाल के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि गिन्नौरगढ़ की रानी कमलापति जी का इससे नाम जुड़ने से इसका महत्व भी और बढ़ गया है। इसके पीछे यह कोशिश नजर आती है कि कुछ रेलवे स्टेशन को भव्य बना दिया जाए एयरपोर्ट की तरह, और फिर उसे रेलवे के विकास का मॉडल बना दिया जाए ताकि आम जनता जिसे कुछ पता नहीं आंखें फाड़कर देखने लग जाए। इन दिनों रेलवे स्टेशन को इसी तरह विकसित किया जा रहा है ताकि आने जाने वाले लाखों लोगों को लगे कि कुछ कमाल हो रहा है। खराब और देर से चलने वाली ट्रेनों से उतरकर जब यात्री इन चमकदार स्टेशन पर पहुंचे तो अपना अनुभव भूल जाए। उड़ान योजना के तहत छोटे छोटे शहरों में जब एयरपोर्ट का उद्घाटन होने लगा तो जोर शोर से खबरें छपने लग गईं। लेकिन जब धीरे धीरे उड़ान योजनाएं बंद होने लग गईं, एयरपोर्ट पर कई उड़ानें बंद होने लगीं, तो खबरों का शोर कम होने लगा। इसी 11 मार्च को दैनिक जागरण ने रिपोर्ट किया है कि प्रयागराज एयरपोर्ट से 3 शहरों की उड़ान बंद हो रही है। पुणे, दिल्ली और बिलासपुर की उड़ान की बुकिंग बंद हो गई है, जबकि महाकुंभ को देखते हुए इसे 3 गुना बड़ा किया जा रहा है ताकि 25 शहरों से विमान आ सके। 25 मार्च को दैनिक भास्कर की छपी यह खबर देखिए, लिखा है कि 266 करोड़ की लागत से बना कुशीनगर एयरपोर्ट बंद है। 4 महीने से दिल्ली की उड़ान बंद है, इंटरनेशनल उड़ान सपना ही है, जबकि इसका नाम कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। अखबार ने लिखा है कि 28 महीने हो गए इस एयरपोर्ट को शुरू हुए मगर एक भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं गई। मुंबई कभी फ्लाइट नहीं गई, कोलकाता की फ्लाइट 4 दिन गई और बंद हो गई। 2 अप्रैल 2024 की यह खबर है न्यूज 18 की, लिखा है आगरा से 3 शहरों की उड़ानें बंद हो रही हैं, जयपुर, भोपाल और अहमदाबाद की उड़ानें बंद हो रही हैं। 3 शहरों से आगरा फ्लाइट नहीं आ रही है। अमर उजाला में इसी 2 अप्रैल को यह खबर छपी है कि बरेली एयरपोर्ट से दिल्ली से बरेली की उड़ान नहीं मिल सकेगी, यात्री भी कम है। साल भर से दिल्ली के लिए यात्रियों की संख्या विमान की क्षमता के अनुपात में 50% से भी कम थी। दिसंबर से जयपुर बरेली की फ्लाइट बंद पड़ी है। 14 अप्रैल को अमर उजाला में यह रिपोर्ट छपी है कि 1 महीने के भीतर अयोध्या से 4 शहरों की सीधी विमान सेवाएं बंद हो गईं। कुछ फ्लाइट ऐसी भी थी जो 1 सप्ताह भी ठीक से नहीं चली। तो पैटर्न यह समझ में आता है कि कुछ ढांचा बनाओ, शीशे की इमारत बना दो ताकि नई तरह की इमारत देखकर लोग हतप्रभ रह जाएं कि उनके शहर में विकास आ गया।
शुरू में कई शहरों से उड़ानें शुरू कर दी जाती हैं, बाद में धीरे धीरे बंद होने लग जाती हैं। जब बंद होती हैं तब ऐसी चर्चा नहीं होती। क्या इतने एयरपोर्ट की अभी जरूरत है? कहा जाएगा कि भविष्य के लिए भारत को तैयार किया जा रहा है, मगर क्या इस वक्त आम लोगों की कोई बड़ी जरूरत नहीं है जिस पर यह पैसा तुरंत खर्च किया जा सके? उसकी जगह पर एयरपोर्ट पर पैसा खर्च किया जा रहा है, जहां इमारत देखकर लाखों लोगों को और जिले के लोगों के बीच एक झूठा उत्साह पैदा किया जा सके। यही हाल रेलवे स्टेशन का भी लगता है। स्टेशन को भव्य बनाओ, एयरपोर्ट की अपनी हालत ठीक नहीं लेकिन स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बताओ। अब यात्री भी नहीं बोलते, बुजुर्ग यात्रियों से सब्सिडी खत्म कर दी गई। हाल में खबर आई कि इससे रेलवे को एक साल में 2242 करोड़ की बचत हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ट्वीट में कहते हैं कि मोदी सरकार ने बुजुर्ग यात्रियों का 2242 करोड़ रुपया लूट लिया। इसी अप्रैल की खबर है जो आरटीआई के हवाले से कई जगह छपी है। रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर 4 साल में 5875 करोड़ की कमाई की है। मध्य प्रदेश के चंद्रशेखर गौड़ की ओर से समय समय पर दायर किए गए आरटीआई आवेदनों से यह खुलासा हुआ है। कोविड से पहले रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को 40% की छूट दिया करती थी। तालाबंदी के बाद यह रियायत वापस ले ली गई। इन सभी बातों की अब कोई चर्चा नहीं, केवल और केवल वंदे भारत की चर्चा होती रहती है। हाल ही में एक और खबर आई कि भोपाल ब्यूरो के अनुराग शर्मा ने दैनिक भास्कर में इसे रिपोर्ट की है। वंदे भारत घाटे का सौदा है, ये हेडलाइन है। जितनी आय चलाने से होती है उससे कहीं ज्यादा यानी 2.5 गुना ज्यादा इसके रख रखाव और इस पर होने वाला खर्च का है। मल्टीपल लोकोमोटिव के कारण इसमें बिजली की खपत ज्यादा होती है। रीवा जबलपुर वंदे भारत में ऑक्यूपेंसी कम है, यानी कम यात्री सफर कर रहे हैं और यह ट्रेन घाटे में चल रही है। उसी रूट पर चलने वाली दूसरी ट्रेन का किराया कम है तो वो फायदे में चल रही है। यह दिल्ली से भोपाल जाने वाली वंदे भारत का वीडियो है, कुछ हफ्ता पुराना है, लेकिन इसी ट्रेन के बारे में भास्कर ने लिखा है कि भोपाल से दिल्ली वंदे भारत चलाने का खर्चा 75 करोड़ से अधिक है और आय है इसकी 31 करोड़ से भी कम। लेकिन आप जब बेंगलुरु राजधानी से इस वंदे भारत की तुलना करते हैं तो पाते हैं कि उसे चलाने का खर्चा करीब 69 करोड़ है और आमदनी है 143 करोड़। सोचिए, जिस ट्रेन से कमाई होती है उसका प्रचार नहीं। प्रधानमंत्री कितनी बार बेंगलुरु राजधानी का प्रचार करते हैं, उसकी बात भी नहीं करते। जो ट्रेन घाटे में चल रही है उसका दिन भर प्रचार हो रहा है। भास्कर के ही अभय शुक्ला ने जुलाई 2023 में इंदौर भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के 1 महीना पूरे होने पर रिपोर्ट की थी। लिखा था कि लोगों को ट्रेन की सुविधा पसंद आ रही है लेकिन महंगे टिकट ने यात्रियों को इससे दूर कर दिया है। एग्जीक्यूटिव और चेयर कार के 530 यात्रियों में से रोजाना औसतन 113 यात्री ही सफर कर रहे हैं, यानी 20% सीटों के साथ ही वंदे भारत इंदौर से भोपाल तक दौड़ रही है। अभय शुक्ला ने लिखा कि 25 जुलाई 2023 को एग्जीक्यूटिव चेयर कार का कोच पूरी तरह खाली गया। कभी नेता गरीब रथ चलाकर वाहवाही लूटा करते थे कि आम लोगों के लिए ट्रेन की सुविधा ऐसी कर दी और वैसी कर दी। अब वंदे भारत ने उस भारत की जगह ले ली है जो कई बार खाली चलती रहती है। लालू जी क्यों बोलते हैं? अरे लालू जी रेल मंत्री तक 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया जो आज तक किसी भी देश के मंत्री ने नहीं दिया। हर बजट में रेलवे के बजट में किराया कम किया, सब कूली भाई को परमानेंट कर दिया। देश भाई के देश भर में जितना कूली था, एसी में भी सफर करे गरीब, क्योंकि गरीबों का ना लाइफ लाइन है भाई। सवारी असल रेलवे गरीबे भाई लोग का है, तो लालू जी तो भाड़ा कम करते थे। और ये भी सोचे कि स्लीपर के रेट पर एसी में चढ़ ले तो गरीब रथ जैसा ट्रेन खोलने का काम किया लालू जी ने। टाइम्स ऑफ इंडिया के अतुल ठाकुर ने 15 नवंबर को रिपोर्ट किया था कि पिछले साल 47.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच 42.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। उत्तर रेलवे में पिछले साल के मुकाबले पैसेंजर ट्रेन की औसत रफ्तार में गिरावट देखी गई है, मालगाड़ी की रफ्तार भी कम हुई है। यह खबर न्यू इंडियन एक्सप्रेस की है, 30 सितंबर 2023 की। बी
अन्बुसेल्वन ने फाइल की है, लिखा है कि जैसे जैसे वंदे भारत चल रही है सुपर फास्ट ट्रेनें धीमी होती जा रही हैं। नए टाइम टेबल के अनुसार तिरुनेलवेली चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस के लॉन्च होने के बाद 1 अक्टूबर से चेन्नई मदुरै वैगई एक्सप्रेस का सफर 15 मिनट बढ़ जाएगा, यानी उसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी। ऐसी खबरें आकर गायब हो जाती हैं, गोदी मीडिया आपको बताता नहीं। वंदे भारत तेज चले इसके लिए दूसरी ट्रेनों की रफ्तार धीमी की जाती है। कितनी बार इस पर चर्चा होती है कि उसमें चलने वाले आम लोगों के वक्त की कीमत है या नहीं, उनकी कोई साख या गरिमा है या नहीं। अब हम आपको पूर्णिया से सहरसा के बीच चलने वाली एक ट्रेन का हाल बताना चाहते हैं। इस इलाके में ट्रेन की कमी एक अलग मुद्दा तो है ही, लेकिन जो ट्रेन चल रही है उसके भीतर का भारत कैसा है हम आपको दिखाना चाहते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि पैसेंजर ट्रेन के नंबर के आगे 0 लगाकर इसे एक्सप्रेस बना दिया गया। ट्रेन वही रही, किराया एक्सप्रेस का लगने लगा। अब यह किराया वापस ले लिया गया है क्योंकि 25 फरवरी को द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी। एस विजय कुमार ने लिखा कि पैसेंजर ट्रेनों का युग खत्म होता दिखाई दे रहा है। भारतीय रेलवे ने पैसेंजर ट्रेन का नाम बदलकर एक्सप्रेस कर दिया, किराया बढ़ा दिया। उसी रिपोर्ट के बाद से किराया वापस लिया जाने लगा। अब हम यहां पर आपको एक ऐसे ही पैसेंजर ट्रेन का हाल दिखाना चाहते हैं। आगे जो आप देखेंगे उसमें मेरी आवाज नहीं होगी, बल्कि एक चलती फिरती दुनिया की अपनी आवाजें होती हैं, भीतर के दृश्य होंगे। हम इस तरह से दिखाना चाहते हैं ताकि आप महसूस कर सकें कि आज का भारत किस तरह आज भी ट्रेन में यात्राएं कर रहा है। जिले 52 गाँव जेमस सवारी गाड़ी जो सहरसा से जबकि एजेंसी में आती है प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे आ रही है। सुविधाएं तो कुछ नहीं है श्रीमान, सुविधाएं होनी चाहिए। एक ट्रेन ये सुबह है 052-24 जो जाती है, 11 बजे पूर्णिया से लौटती है। इसके बाद एक ट्रेन है 055-40 जो 11 बजे मुरलीगंज में है, उसका भी कोई टाइम टेबल नहीं है। वो उसके पीछे पीछे जानकी है। दोनों गाड़ी एक साथ होने से पब्लिक को कोई फायदा नहीं है। उस गाड़ी का टाइम थोड़ा नीचे होना चाहिए, 10:30 बजे के आसपास होना चाहिए। और पूर्णिया से आने के लिए 11 बजे के बाद सीधे रात में 9 बजे ट्रेन, क्या सुविधा हम लोग। कोई भी बढ़िया ट्रेन नहीं है, कहीं भी मेल नहीं है। अगर किसी गाड़ी का मेल पकड़ना हो तो निश्चित ही लोको बस से जाना पड़ता है या अपनी सवारी से जाना पड़ता है। हमेशा रहती है भीड़, कितने का मोबाइल चोरी होता है, कितने का पॉकेट मारी होता है, कितने का सामान उतर जाता है। गाड़ी के अभाव में लोग भीड़ होती है, कोई भी पर्व आता हम लोग अत्यधिक भीड़ हो जाती है, लोग चढ़ नहीं सकते। बोलो ना।
मल्लिकार्जुन खड़गे रेलवे को लेकर काफी ट्वीट करते रहते हैं। वे 3 लाख वैकेंसी की बात उठाते हैं, ओडिशा के बालासोर रेल दुर्घटना की बात उठाते रहते हैं जिसमें 300 लोगों की मौत हुई, रेलवे के निजीकरण की बात करते हैं, आरोप लगाते हैं कि नेशनल रेलवे प्लान के अनुसार 2031 तक मालगाड़ियों का निजीकरण कर दिया जाएगा, 750 स्टेशन में से 30% रेलवे स्टेशन के निजीकरण का प्लान है। खड़गे आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार ने रेलवे को बर्बाद कर दिया। आज और एक मंत्र खोल रहे हैं, क्या खोल रहे हैं? वंदे भारत ट्रेन। अरे भाई वो लाइन कौन बिछाई? मोदी ने बिछाई रेलवे की लाइन। तुम्हारे जमाने में कितनी बिछाई? हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर हमने रेलवे की लाइन बिठाई। उसके ऊपर ये लोग एक नए नए नाम देके रेलगाड़ी छोड़ रहे हैं, और वो रेलगाड़ी छोड़ने के लिए मोदी जी खुद जाते हैं और वहां पर हरी झंडा दिखाकर ये वंदे भारत मैंने किया। अरे भाई नीचे का रेल का कौन किया? क्या इसके पहले रेल नहीं चलती थी? अगर कोई किसी का 60 स्पीड 70 स्पीड से ट्रेन जाता है तो आप 80 स्पीड किए हो, इसका मतलब आप ही किए। ऐसा झूठ, और ये झूठ बोलते बोलते जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों लोग उनके झांसे में आ रहे हैं। रेलवे पर हमारा एक और वीडियो है जो हमने 27 फरवरी को किया था, आप उसे भी देखिए। कोशिश कीजिए कि इस चुनाव में 4 लोगों के लिए चलने वाली 4 ट्रेनों की बात ना हो, बल्कि आम लोगों के लिए चलने वाली हजारों ट्रेनों की बात हो। उन तक सस्ता खाना, अच्छा खाना पहुंच रहा है या नहीं, उनकी गाड़ियों में शौचालय की सफाई कैसी है, उन यात्रियों की गरिमा का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। 2024 का चुनाव भी फालतू के मुद्दों में बीतता जा रहा है। हम यह हालात बदल तो नहीं सकते, मगर आपको याद तो दिला सकते हैं कि मॉल देखकर मत समझिए कि आप अमीर बन गए हैं। आप अमीर नहीं हुए हैं। आपने मॉल में देखा होगा ज्यादातर लोग घूमते नजर आते हैं। दुकानदार जानते हैं ये सच्चाई। वे परेशान रहते हैं कि आते हैं, घूमते हैं, एसी का मजा लेते हैं, खरीदते नहीं हैं। इसलिए मॉल के भीतर की कई दुकानें लगातार बंद होती रहती हैं और नई नई दुकानें खुलती रहती हैं। इसका कारण यह है कि मॉल आने वाले ज्यादातर लोगों के पास पैसे नहीं होते जो मॉल में आते हैं। नरेंद्र मोदी का भारत दरअसल मॉल जैसा भारत है, जहां इमारतें चमकदार नजर आती हैं लेकिन लोगों की जेब में पैसे नहीं। तय आपको करना है कि भारत के विकास के नाम पर आपको हर जगह मॉल चाहिए या फिर आपकी आर्थिक क्षमता में सुधार। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।